बलियापुर पश्चिमी पंचायत स्थित कुम्हार टोला शिव मंदिर में चरक पूजा धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान शिव पर आस्था रखते हुए अपने शरीर के विभिन्न अंगों में लोहे की कील चुभोकर 50 से ज्यादा भक्तों ने 30 फीट ऊंचाई में बारी बारी घूमते रहे। शिव मंदिर परिसर में दिन भर मेला का दृश्य बना रहा। शिव भक्तों के परिवारों ने उपवास कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कुछ शिव भक्तों ने अपने पीठ में लोहे की कील की डोरी के सहारे स्कॉर्पियो तथा टाटा मैजिक खींचते हुए थाना परिसर बलियापुर बाजार भ्रमण करते हुए पुनः शिव मंदिर परिसर पहुंचे, जो आकर्षण का केंद्र बना। इस दौरान शिव भक्त नाचते गाते दया करो दयामयी हे हर हर महादेव आदि नारा लगाते हुए चल रहे थे। शिव भक्तों द्वारा मन्नत मांगने की भी परंपरा है। 4 दिवसीय के इस त्यौहार में भक्तों द्वारा निर्जला व्रत 2 दिवसीय रखा जाता है। खाली पानी शरबत चलता है और फल भी चलता है और 2 दिन उपवास रहना पड़ता है। इसमें आप लोगों को इस चरक पूजा में देते हैं कांटा और सुनने के लिए यही वाला नाती इच्छा से कांटा जो चुभाया जाता है उसमें आप लोग को तकलीफ नहीं होती है? तकलीफ हम लोग को नहीं होता है, बोले और वही उपवास से हम लोग को तकलीफ नहीं होती। मोटा मोटी अभी तक आज का डेट में किए हैं 50 से होगा, 52 किलो का होता हुआ है 50 किलो से होगा। उसमें से आप सब कुछ नहीं ले सकते हैं, उसमें थोड़ा भी हिम्मत भी चाहिए लेने के लिए। देखिए ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है, लगभग मोटा मोटी 2 साल के आसपास होने चला। आप ये त्यौहार है, ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है। लोग बहुत ही मैंने इसको उपवास वगैरह करके इसको मनाने का प्रयास करते हैं और इसके चलते जो है हम लोग देखते हैं कि साधारण लोग कांटा करने से या साधारण कट जाने से लोग भेज लेते हैं या चिकित्सा करते हैं, लेकिन इसमें इतना बड़ा बड़ा ठोकने के बावजूद किसी को कोई दवा लेने का जरूरत नहीं पड़ता। ये भक्ति का एक ये है, मैंने दिखाया जा रहा है भक्ति का आशीर्वाद बताया जा सकता है। किन देवताओं की पूजा होती है इसमें? किस देवता की पूजा होती है? शिव की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। इसमें मोटा मोटी 3 दिन से उपवास रहते हैं, 1 दिन फलहार करते हैं, फल वगैरह खा कर रहते हैं, दूसरा दिन एकदम उपवास रहते हैं। आज के दिन जो तीन वगैरह लगाने के बाद घूमने के बाद वगैरह पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद फलहार करते हैं, भोजन करते हैं। उपवास करने का तरीका क्या है इसमें, किस तरह से उपवास रखी जाती है? जैसे आपका पहला दिन जो है मैंने 3 दिन पहले लोग आपका जैसे कुंडली में आपका क्या पूजा है, आप लोग से अपना नपुर उपर जो करके दाढ़ी उगर छिड़वा के स्नान करके उसके बाद फलहार करते हैं, मतलब फल का भोजन करते हैं, चना का भिगा हुआ चना वगैरह खाते हैं। उसके बाद फिर उपवास रहते हैं, एकदम उपवास रहते हैं। उसके बाद रात को स्नान करने के बाद शिव जी का पूजा होने के बाद लोग सरबत पानी वगैरह सूखी वगैरह खाते हैं। उसके बाद आज का जो दिन है घूमने का जो दिन
परना कहते हैं उसको, उसमें लोग जैसे सब करते हैं जो त्यौहार करते हैं, जैसे दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जो उपवास रहते हैं वो लोग घूमने के बाद भीड़ वगैरह लगाने को घूमने के बाद अपना भोजन वगैरह करते हैं, चाय चाय नाश्ता पानी करते हैं। कुल कितने भक्ता शामिल हुए हैं? कितने भक्ता शामिल हुए हैं? लगभग इस साल मोटा मोटी 56-57 भक्ता शामिल हुए।